वेलकम व्यूवर्स मई नमीजैसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रोमेंटेशन प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन है तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली सबसे पहले हम देखते हैं कैलिब्रेशन प्रोसीजर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड मल्टीमीटर प्रेशर कैलिब्रेटर हार्ट और डीरेक्स कम्युनिकेटर प्रोसीजर कनेक्ट द प्रेशर कैलिब्रेटर विद ट्रांसमीटर कनेक्ट द हार्ट और टी रेस विद विधर ट्रांसमीटर एंड चेक जीरो रीडिंग फोर मिलियम पेयर सबसे पहले प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ प्रेशर कैलिब्रेटर को कनेक्ट करें इसके बाद टी या हार्ट कम्युनिकेटर प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करें और टी कम्युनिकेटर पर फोर मिलियन पेयर ज़ीरो रीडिंग चेक करें कन्फ़िगर द प्रेशर ट्रांसमीटर गिव एल आर वी जीरो के जी पर सेंटीमीटर स्केर एंड यू आर वी सिक्स के जी पर सेंटीमीटर स्केर मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज जीरो से सिक्स है तो हम प्रेशर ट्रांसमीटर को कन्फिगर करेंगे जिसमें हमारे पास एल आर वी ज़ीरो जबकि यू आर वी सिक्स के जी पर सेंटीमीटर स्केयर होगी अप्लाई प्रेसर लाइक ज़ीरो ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव एंड हंड्रेड परसेंट चेक रीडिंग ऑन प्रेशर ट्रांसमीटर ज़ीरो वन पॉइंट फाइव थ्री फोर पॉइंट फाइव एंड सिक्स के जी पर सेंटीमीटर स्केयर व्यूवर प्रेशर ट्रांसमीटर पर प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से प्रेशर को अप्लाई करें और जीरो वन पॉइंट फाइव थ्री फोर पॉइंट फाइव और सिक्स के जी पर सेंटीमीटर स्केर पर प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करें चेक द स्पेन ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर इफ़ रिक्वायर्ड देन एडजस्ट इसके बाद प्रेशर ट्रांसमीटर के स्पेन को चेक करें यानी कि सिक्स के जी प्रेशर अप्लाई करने पर प्रेशर ट्रांसमीटर को सिक्स के जी ही शो करना चाहिए अगर ज़रूरत हो तो इसको एडजस्ट करें डिक्रीज प्रेशर सेम लाइक यू इंक्रीज़ हंड्रेड सेवेंटी फाइव फिफ्टी ट्वेंटी फाइव एंड जीरो परसेंट व्यूर जिस तरह से हमने स्टेप बाई स्टेप प्रेशर को इनक्रीज़ किया इसी तरह हम स्टेप बाई स्टेप प्रेशर को डिक्रीज़ करके प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे चेक रीडिंग ऑन फोर पॉइंट फाइव थ्री वन पॉइंट फाइव एंड जीरो के जी पर सेंटीमीटर स्केर इसके बाद हम फोर पॉइंट फाइव थ्री वन पॉइंट फाइव और ज़ीरो के जी पर सेंटीमीटर स्केर पर प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे इफ़ वैल्यू इज़ मैचिंग दैट्स मीन कैलिब्रेशन इज़ ओके अगर रीडिंग मैच कर रही हो तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन मुकम्मल हो गई है व्यूवर अगर हमारे पास कैलिब्रेशन वैल्यू जीरो टू सिक्स के जी है यानी कि एल आर वी लोअर रेंज वैल्यू हमारे पास जीरो के जी पर सेंटीमीटर स्केयर है और यू आर वी हमारे पास सिक्स के जी पर सेंटीमीटर स्केयर है तो हमारा कैलिब्रेशन चार्ट कुछ यू बनेगा जिसमें सबसे पहले हमारे पास रेंज इन परसेंटेज इनपुट प्रेशर आउटपुट प्रेशर और आउटपुट करंट आएगी प्रेशर हम जीरो परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी सेवेंटी फाइव और हंड्रेड परसेंट की तरह स्टेप बाई स्टेप इंक्रीज करेंगे इसी तरह प्रेशर कैलिब्रेटर पर इनपुट प्रेशर और टी कम्युनिकेटर या प्रेशर ट्रांसमीटर पर आउटपुट प्रेशर को चेक करेंगे जिसमें हमारे पास जीरो वन पॉइंट फाइव थ्री फोर पॉइंट फाइव और सिक्स के जी प्रेशर सेम होना चाहिए इसी तरह हम आउटपुट करंट फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन और 20 मिलियन पेयर आउटपुट टी रेस कम्युनिकेटर पर चेक करेंगे इसी तरह फिर हम 75 परसेंट फिफ्टी ट्वेंटी और जीरो परसेंट की तरह स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे और इनपुट प्रेशर और आउटपुट प्रेशर को चेक करेंगे और इसी तरह साथ साथ हम सिक्सटीन ट्वेल्व एट और फोर मिलियन पेयर को भी चेक करेंगे अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं व्यूबर जी आप देख सकते हैं हमारे पास टीरेक्स कम्युनिकेटर है और ये हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर है तो सबसे पहले हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो कन्फिग्रेशन करने के लिए हम टी रेस कम्युनिकेटर को प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे ये आप ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं ये हमारे पास हार्ड प्रोटोकॉल का ऑप्शन है हार्ड प्रोटोकॉल उस वक्त इनेबल करते हैं जब हम फील्ड में हों ये हमारे पास हार्ड प्लस पावर का ऑप्शन है और ये हमारे पास मिलियम पेयर का ऑप्शन है और ये हमारे पास फील्ड फाउंडेशन का ऑप्शन है तो अभी चूँकि हम बेंच कैलिब्रेशन कर रहे हैं इसलिए हम प्रेशर ट्रांसमीटर को हार्ट प्लस पावर से एनर्जाइज करेंगे ये रेड हमारे पास पॉजिटिव है और ब्लैक नेगेटिव है और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास रेड कलर पॉजिटिव है ये आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास तीन ऑप्शन है जिसमें ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव है तो हम कम्युनिकेटर के पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर और नेगेटिव को इस नेगेटिव पर कनेक्ट करेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास कॉमन है ये हमारे पास पावर बटन है यहाँ से हम कम्युनिकेटर को ऑन करेंगे जब आप देख सकते हैं कम्युनिकेटर ऑन हो गया है तो हम फील्ड कम्युनिकेशन पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास हार्ड ऑप्शन है इस जगह पे हम क्लिक करेंगे और अब ये कह रहा है डू यू इंटेंड टू प्रोवाइड पावर फ्रॉम टी रे यूनिट तो हम यस yes करेंगे फिर आगे ये पूछ रहा है हमने ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करना है या पोजिशनर को तो हम अभी ट्रांसमीटर पर क्लिक करेंगे तो ये अभी देख सकते हैं हार्ट प्रोटोकॉल डिटेक्ट हो गया है व्यूअर जब आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर ट्रांसमीटर एनर्जाइज हो गया है और ये अभी 3.99 पॉइंट नाइन दे रहा है इसकी एल आर वी जीरो है और यू आर वी टेन के जी पर सेंटीमीटर स्केयर है तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर ट्रांसमीटर ज़ीरो के जी पर सेंटीमीटर स्केयर शो कर रहा है और इसी तरह टीर e कम्युनिकेटर भी जीरो रीडिंग शो कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी एल आर वी जीरो है और यू आर वी सिक्स के जी है तो हमने प्रेशर ट्रांसमीटर को कॉन्फ़िगर करना है तो हम देखते हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं सबसे पहले हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे इसके बाद हम जाएंगे डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विसेज में इसके बाद हम जाएंगे कैलिब्रेशन इसके बाद ये हमारे पास कैलिब्रेशन के अंदर ऑप्शन आ रहा है री रेंज तो हम इस पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद हम की इनपुट पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं अभी एल आर वी ज़ीरो है और यू आर वी टेन है तो अभी हमने इसको सिक्स के जी करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिक्स पुट कर देंगे ओके करने के बाद ये ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास सेंड का ऑप्शन है तो हम इसको सेंड कर देंगे ये अब आप देख सकते हैं इसकी जो एल आर वी जीरो है और यू आर वी सिक्स के जी है इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये यूनिट चेंज करने का ऑप्शन भी आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने केजी के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अलावा मिली बार बार पी एस आई एम एम एफ एच जी और बाकी यूनिट्स हैं तो हमने अगर बार करना है तो हम बार पे क्लिक करके सेंड कर देंगे ये अब आप देख सकते हैं जो एल आर वी और यू आर वी है वो ज़ीरो से लेके पॉइंट एट फाइव बार है तो फिल वक्त अभी हम यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस्तेमाल करते हैं यह आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर जीरो है जो हमारे पास एनालॉग आउट है वो फोर मिलियन पेयर है और एल जीरो और जबकि यूआरवी सिक्स के जी पर सेंटीमीटर स्केयर है अब हम प्रेशर ट्रांसमीटर की इस हाई साइड पे प्रेशर कैलिब्रेटर को कनेक्ट करके प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे तो व्यूवर जी आप देख सकते हैं इस टाइम हमारा प्रेशर कैलिब्रेटर है वो जीरो रीडिंग शो कर रहा है इसी तरह हमारे पास टी रेस कम्युनिकेटर भी जीरो रीडिंग शो कर रहा है और प्रेशर ट्रांसमीटर भी जीरो रीडिंग शो कर रहा है तो सबसे पहले हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से वन पॉइंट फाइव के जी प्रेशर दे के प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे ये आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर 1.5 पॉइंट के जी शो कर रहा है और इसी तरह डिरेक्स कम्युनिकेटर भी 1.5 पॉइंट के जी शो कर रहा है और यहाँ पे आप मिलियन पेयर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 8 मिलियन पेय शो हो, हो रहे हैं और इसी तरह हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर भी 1.5 पॉइंट के जी शो कर रहा है नेक्स्ट अब हम थ्री के प्रेशर अप्लाई करके प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे व्यूवर जब आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर थ्री के जी शो कर रहा है इसी तरह टी रेक्स कम्युनिकेटर भी थ्री के जी शो कर रहा है और इधर आप एक्स्ट्रा मिली पेयर देख सकते हैं ये हमारे पास अभी ट्वेल्व मिली पेयर है और इसी तरह हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर भी थ्री के जी शो कर रहा है नेक्स्ट अब हम फोर पॉइंट फाइव के जी प्रेशर दे के प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे व्यूवर जब आप देख सकते हैं हमारे पास इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर फोर पॉइंट फाइव के जी शो कर रहा है इसी तरह टी रेक्स कम्यूनिकेटर भी फोर पॉइंट फाइव के जी और सिक्सटीन मिली पेयर शो कर रहा है और इस तरह हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर भी 4.5 पॉइंट के जी शो कर रहा है लास्ट में अब हम 6 kg के जी प्रेशर अप्लाई करके प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करते हैं व्यूवर जब आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर 6 के जी शो कर रहा है इसी तरह टी कम्युनिकेटर भी 6 के जी और 20 मिलियन पे शो कर रहा है और इसी तरह हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर भी सिक्स के प्रेशर शो कर रहा है व्यूवर जिस तरह से हमने स्टेप बाई स्टेप प्रेशर को इनक्रीज़ करके प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स को चेक किया इसी तरह हम प्रेशर को डिक्रीज़ करके प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे व्यूवर जब आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर 4.5 पॉइंट के जी शो कर रहा है इसी तरह टी रेस कम्यूनिकेटर फोर पॉइंट के जी और सिक्सटीन मिलियन पे शो कर रहा है और इस तरह प्रेशर ट्रांसमीटर भी फोर पॉइंट के जी शो कर रहा है इसके बाद अब ह्री के जी पर प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करते हैं यह आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर थ्री के जी शो कर रहा है इसी तरफ टी रस कम्युनिकेटर भी थ्री के जी और ट्वेल्व मिलियन पेयर शो कर रहा है और प्रेशर ट्रांसमीटर भी थ्री के जी शो कर रहा है इसके बाद अब हन पॉइंट फाइव के जी पे प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स को चेक करते हैं यह आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर वन पॉइंट फाइव के जी टी रस कम्युनिकेटर वन पॉइंट फाइव के जी और एट मिलियन पेयर और प्रेशर ट्रांसमीटर भी वन पॉइंट फाइव के जी शो कर रहा है लास्ट में अब हम जीरो को चेक करते हैं तो व्यूवर अब आप ये देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर जीरो के जी टी रस कम्युनिकेटर जीरो के जी और फोर मिलियन पेयर और प्रेशर ट्रांसमीटर भी जीरो के जी पर सेंटीमीटर स्केट शो कर रहा है तो इस तरह से आप प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन कर सकते हैं व्यूवर यह था आज का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो एंड स्पैन कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर टैग डैम्पिंग टाइम लो कट इन प्रेशर ट्रांसमीटर डिस्प्ले कन्फिग्रेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग